आज हम जा रहे हैं वर्जीनिया बीच। यू आर रेडी? आई एम रेडी। पहली बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एंड दे आर सेइंग हाय। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आज मैं रेडी हो रखी हूँ, बैग वैग कैरी कर रखी है। आज मैंने शरीफ बच्चों की तरह कभी मैं बैग कैरी नहीं करती हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये कि पहले मैं आउटफिट के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं ये नहीं था मुझे कि मैं यार स्टार्ट कैसे करूँ ब्लॉग को, बिकॉज आज हम जा रहे हैं वर्जीनिया बीच एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत ही टाइम बाद बीच के प्लान्स होते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा वेदर है, कल भी बहुत प्यारा वेदर है, इवनिंग में थोड़ी सी बारिश दिखा रहा है, बट इट्स ओके, आई लव रेनिंग। तो अभी देखेंगे वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, ये है मेरी आउटफिट। और भैया आस-पास कूल वाली वाइब्स आ रही है ना मेरे को। अभी विशु आधे बैग्स ले गए हैं तो उन्हें डाल दिया, ये वाला सिर्फ मेरा सिर्फ इतना सा बैग है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यार मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करती कहाँ पे एंड करती, बट हाँ हम लोग निकल रहे हैं वर्जीनिया बीच के लिए। अपडेट्स देती रहूँगी, व्लॉग्स मिलाती रहूँगी, हाफ एंड हाफ शायद व्लॉग शूट हो जाए तो उसको मैं वैसे ही अपलोड करती रहूँगी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और जो जो होता रहेगा मैं आप लोग को बताती रहूँगी। तो गाइज आप लोग पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे हो कि मैंने आज लाइक टीका लगाया हुआ है, तो तिलक लगाया हुआ है क्यों? बिकॉज आज से है सावन स्टार्ट। तो सावन का पहला दिन है आज, जब मैं जस्ट पूजा करके हम लोग वर्जीनिया के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ना ठीक है ऐसे ही निकलेंगे। और नीचे मैं पूरी वेस्टर्न हो रखी हूँ और ऊपर से मैं इंडियन एथनिक लग रही हूँ, बट इट्स फाइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना टीका वीका लगा के, बहुत अच्छा लाइक पॉजिटिविटी रहती है। तो अभी बस यहाँ से निकलेंगे हम लोग और मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको देती हूँ अपडेट। विशु हो गई है पैकिंग, ये मेरा बैग्स एंड ऑल भी रख लो। ये भाई साहब ये भी रेडी हो के आज ये ट्विनिंग करके चल रहे हैं मुझसे। एक्चुअली ये मुझसे ट्रेनिंग करके चल रहे हैं, मैं इनसे चल रही, पता नहीं इनने ऐसे ना जर्सीज ली थी, ये यूएस में बहुत फेमस है ये वाली टीज, तो ना फिर इनने ये टू ली थी तो हम लोगों ने ना साथ में वियर कर ली कि ठीक है हम लोग सेटअप करेंगे ऐसे। तो मेरा बैग वगैरह रखी, मैं ना बैठ रही हूँ कार में, ठीक है? यू आर रेडी? हे गाइस, सो अभी हमें पेट्रोल पंप, अभी हम लोग, मैंने कहा आप लोग को बता दूं कि मैं अभी घर से निकले थे, कुछ थोड़ा सा काम है वो काम निपटा के फिर हमने पेट्रोल भरा, फिर यहाँ से हम लोग जस्ट निकलेंगे। और मैं कर रही हूँ ड्राइव तो मैं इतना शूट नहीं कर पाऊंगी। हे गाइस, सो अभी हमने पेट्रोल फिलअप करवा लिया था और ना वहाँ से निकले तो विशु को कुछ छोटा सा काम था तो वो काम निपटाने के लिए गए हुए हैं। तो मुझे इतनी आप मानोगे नहीं, आप देख रहे हो मेरा आउटफिट क्यों चेंज हो गया, मैंने ना सिर्फ ये जस्ट ऊपर की टॉप चेंज कर ली। मैं ड्राइव कर रही थी, ड्राइव यार हो ही नहीं रही, इतनी कार गर्म हो रही है, इतनी हॉट हो रहा ना, इतना हॉट वेदर हो रखा है आज, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है। हाँ पूरा बीच वाला वेदर है, अच्छा लग रहा है जाने में, पर हाँ वो मेरे से ना कैरी नहीं हो रही वो टी शर्ट, तो मैंने ना टी शर्ट चेंज कर ली जल्दी से कार में। और आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में मैं सब दिख रहा होगा, मैंने टी शर्ट पीछे फेंक दी। तो मैंने कहा ठीक है मैं विशु का वेट करूँ, जल्दी से आते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। मैं पहुंच चुकी हूँ वर्जीनिया के मिड पार्ट में, इट मींस मैंने 2 आवर की ड्राइव कंप्लीट कर ली है। ये एंड 2 आवर की ड्राइव रहती है बीच जाने के लिए। वैसे ही आई एम अ बीच लवर, तो मुझे सबको पता है जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे। तो जब मैंने पहले भी ओशन सिटी के ब्लॉग्स बनाए हैं, जिनने नहीं देखा वो जाके देख लो, और जो पहले नए नए चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं बीचेस बहुत जाती हूँ। पर हाँ बहुत बहुत टाइम पे, जबकि यहाँ पे इतने प्लान्स नहीं बनते यूएस में। तो अभी हम आधे रास्ते में और ये पीछे मेरा एम का सन, आई थिंक आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो हमारा ये है मैकडोनल्ड्स, यहाँ से दिखा दो विशु, ऐसे होते हैं मैकडोनल्ड्स यूएसए में। और इग्नोर माई ड्रेसअप, क्योंकि मैंने वो वाली शॉर्ट्स के साथ, वो वाली टीज के साथ ना जो जर्सी थी हमारी उसके साथ मैंने ये पहना था। तो अभी मैंने फिर वो चेंज कर दिया, आपको बताया मैंने चेंज कर लिया था कार में, तो कार में यहाँ पार्क कर दिया। अभी यहाँ पे हो रहा है अच्छा वेदर और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही अच्छा वेदर होने वाला है विशु, है ना वहाँ जाके, क्योंकि बारिश भी हो सकती है, वहाँ पे बारिश दिखा रहा था। बट यहाँ से निकलेंगे तो अभी कैसे है ना फेस्टिवल वाला हो रखा है, सावन लगे हैं, तो सावन के मौसम को हम इंजॉय कर रहे हैं पहले दिन जाके। और अभी कुछ यहाँ से ना वो एक हमें स्लशी होती है ना, वो स्लशी होती है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वगैरह, मुझे पसंद मैंगो फ्लेवर पसंद है वो ले लेंगे। और कुछ मैं आज क्यूज है तो मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो कुछ वेजिटेरियन टाइप कुछ ले लेंगे और थोड़ा सा रेस्टरूम वगैरह होके फिर मैं 2 आवर की ड्राइव कंटिन्यू करूँगी। सो ये मेरा ना, मैं अंदर ज़्यादा कार में बोल नहीं पा रही थी, पर हाँ मेरा ये 4 आवर का लॉन्गेस्ट ट्रिप है अभी यूएसए में, इसको
अभी और मैं और बढ़ाऊंगी अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। बट हाँ ठीक है, मैंने कहा ठीक है, विशु ने बोला मुझे कि नहीं तुम बनाओ ये वाला, सबको नेचुरल दिखाओ कि तुम कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ अपना। तो अभी हम ये पिक करते हैं यहाँ से, फिर मैं निकलती हूँ और जहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे अभी क्या पता, शायद हम टू आर के बाद ही रुकें, तो आगे कंटिन्यू चलते ब्लॉग में। सो गाइज हमने ये पिक कर लिया, रुक जाओ भाई दिखा भी नहीं रहे हो, ये देखो हमने ये ली थी और ऋषि ने कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया है और वहाँ से रिफिल जो करवाते हैं वाटर भी ले लिया है और हाँ इन्हें ऐसी ले लिया है अपने आप, तो रिफिल वाले में एक मिनट आए जस्ट ओपन है। अब यहाँ से निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, पहले हमको इतना वेट करना पड़ा यार उसके लिए। हे गाइस, सो अभी हम ऑन द वे हैं, आई थिंक हाफ एन आवर ऊपर आ गए होंगे और मतलब वहाँ से बैठने से हाफ एन आवर हमें हो गया होगा। तो मैं कर रही हूँ ड्रिंक इन्जॉय, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्या ही बताऊँ, गर्ल्स वॉच कर रही होंगी तो, बट मज़े आते हैं ड्राइव करने में। तो अब लगता ना कि यार हाँ ठीक है कहीं लेके जाऊंगी कभी गाड़ी, तो हाँ ठीक है पहली बार, अब याद रहेगा कि बीच पसंद है तो बीच में पहली बार गाड़ी लेके गई थी, विशु हमें याद करेंगे ऑलवेज कि हाँ लेके गई थी। आगे आगे और भी प्लान्स बनाऊंगी, अगर पास में इंडिया होता तो यूएसए टू इंडिया भी जाते कार में ज़रूर। अभी इतना परफेक्शन मेरे हस्बैंड ने मेरे पे ला दिया है, तो अभी कर रही हूँ मैं ड्रिंक इन्जॉय और कर रहे रास्तों को एंजॉय। आप लोग होप सो आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो और अब मैं पहुंचूंगी जहाँ भी रुकूंगी आप लोग से बात करूंगी। बाय। हे गाइस, सो हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, हाफ एन आवर रह गया है और आई थिंक 20-25 मिनट्स रह गए हैं। और आप ये देख सकते हो जो अंडर पास है ना, अभी हम ऐसा है कि हमें बीच के ऊपर लाइक बट नॉट बी हम है ओशन के ऊपर, तो समुद्र के ऊपर जो पुल पूरा काटती है जो बना हुआ है ना, तो अंडर पास के अंदर हूँ मैं अभी और 25 मिनट्स रह गए पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ, ऑलमोस्ट ड्राइविंग कर चुकी हूँ लाइक कंप्लीट अपनी, तो बाकी देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। अभी वहाँ पहुँच मैं आपको पूरा बताऊँगी क्या है क्या नहीं है, रुक के कहीं बात करेंगे। तो अभी ये बहुत लंबा रूट है तो मैं आप लोग से आगे जाके बात करती हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं वर्जीनिया बीच और ये जी कार हमारी पार्क कर रखी है हमने लाइक रास्ते में पार्क कर रखी है। और यहां से आप पीछे जो देख रहे हो ना नज़ारा, वहां से बीच स्टार्ट है और मैं फाइनली आ गई हूं। और इस बार इतनी एक्साइटेड इसलिए हूं, इतनी हैप्पी इसलिए हूं कि मैं आई हूं 4 घंटे की ड्राइव करके और आई थिंक मैंने पूरा ऑलमोस्ट 4 घंटे में लाइक गाड़ी वर्जीनिया लगा दी। तो अभी हम लोग जस्ट रोड पे खड़े हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, पूरा सीजनल है तो यहाँ पे पूरा सीज़न चल रहा है अभी और बहुत ज़्यादा क्राउड ही आप देख सकते हो, पूरा रश देख सकते हो पीछे और सब लोग अभी बीच से नहा के आ रहे हैं। तो हमारा इवनिंग ऑलमोस्ट हमको इवनिंग हो गई यहाँ पहुँचने में। तो अभी ऐसा था कि ना अभी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि पार्किंग ढूंढेंगे, तो पार्किंग में ना अभी यहाँ पर डिफरेंट पब्लिक पार्किंग जो होती है, पब्लिक पार्किंग में ना हम लोग पार्किंग लगा के देन थोड़ा सा चेंज वेंज करके कार से ही और ना कुछ ना कुछ लेके आ रखे खाने पीने के लिए, वो थोड़ा सा खा के हम लोग जाएंगे बीच। तो अभी फिर यही डिसाइड हुआ था कि ना हम लोग पब्लिक पार्किंग में पार्क कर लें कार को और उसके बाद अब हम लोग ना होटल सर्च वगैरह करेंगे। तो खाने वाने पीने के लिए पार्किंग हमको चाहिए होगी, थोड़ा सा चेंज वेंज करने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हमको पार्किंग चाहिए होगी। पीछे क्राउड देख रहे हो, सब लोग जा रहे हैं अभी भी जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। पर हाँ वेदर यही प्रॉपर वेदर होता है जो बहुत ही प्यारी वाइब भी दे रहा है, गर्मी हो रही है अभी। एंड दे आर सेइंग हाय, तो अभी सब लोग यहाँ अच्छे मूड में है, वो लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकलूंगी और हम लोग सर्च करेंगे होटल कुछ 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद। तो होटल सर्च करने का बड़ी तामझाम है यहाँ पे, तरीके सब कुछ देखना पड़ेगा कि क्या है कितना नियर बाय है, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर भी होते हैं
तो पार्किंग हमको कैसे कार वगैरह पार्क करने का और कार लेके हम यहाँ पे विजिट कर पाएं, इस टाइप से हमको चाहिए होगा। तो मैं भी ये वाला ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, आप लोग कनेक्टेड रहो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी, तो आप लोग बताती हूँ मैंने कौन सा होटल लिया, कैसा लिया है और मैं क्या कर रही हूँ इवनिंग में। तो ये वाले ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, आप लोग बताना मेरा मैरीलैंड टू वर्जीनिया रोड ट्रिप आप लोग को कैसा लगा, जो कि मैंने खुद सेल्फ ड्राइव करके करा। तो आप लोग को मिलती हूँ अभी नेक्स्ट पार्ट में, और जल्दी से तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझको यहीं प्यार करते रहिए। लव यू गाइस, बाय बाय।